गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट फेमस कोट्स बाय ग्रेट लीडर्स। पेज नंबर 41 जनरल नॉलेज, चैप्टर 26 फेमस कोट्स बाय ग्रेट लीडर्स, मींस जो प्रसिद्ध कथन होते हैं किसके द्वारा, महान पुरुषों के द्वारा, महान लीडरों के द्वारा, उसकी जो चर्चा और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट हियर In this topic, let's take this easy quiz to know the famous quotes of great leaders. Match the pictures of famous leaders given below with their famous quotes and put the picture number in the bubble. Okay, so first picture given here in number one, the picture is Bal Gangadhar Tilak. And Bal Gangadhar Tilak, jo ग्रेट लीडर थे, उन्होंने क्या सेंटेंस दिया है, क्या क्वोटेशन है उनका, तो नंबर 4 देखते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ओके, सो इस किसका है, बाल गंगाधर तिलक। तो इसे आप लोग जो है मैच कर लीजिएगा नंबर 4। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज गिवन हियर अबाउट विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या सेंटेंस, इनका क्या कोट्स है, तो इनका है We shall fight on the beach, but we shall never surrender. We shall fight on the beach, but we shall never surrender. इसका तात्पर्य क्या है कि हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे लेकिन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने स्वाभिमान, अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम जो युद्ध को ही, लड़ाई को ही अपना अधिकार कर्म मानते हैं, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो सेंटेंस है उसको विंस्टन चर्चिल ने कहा है। तो इस प्रकार से इसमें नंबर 2 हो जाएगा और ये जो सेंटेंस है उसमें स्वराज इज माई बर्थ राइट में नंबर 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पिक्चर नंबर 3 गिवन हियर अबाउट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को जो कोट से सेंटेंस है वो क्या है, सो इट इज राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रिच्ड। उठो जागो और तब तक का नहीं रुको जब तक का आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रिच्ड। उठो जागो और तब तक का मत रुको जब तक का आपका लक्ष्य जो है हासिल नहीं हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का, नंबर 3। ओके, नो नेक्स्ट गिवन हियर नंबर 4th पिक्चर नेल्सन मंडेला। इट इज हियर इज गिवन द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का जो कथन है वे है नंबर 3। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, कहने का तात्पर्य क्या है कि एजुकेशन जो शिक्षा है वो क्या है, सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसको उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो ये किसका कथन है, नेल्सन मंडेला का। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 5 गिवन हियर अबाउट अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, सो सेंटेंस इज इट इज ओनली नंबर 5। एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। जो है जो गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है ना, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन होता है ऐसा जो है ये पृथ्वी पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, अर्थात यही रहना चाहिए।
जनता की प्राथमिकता को बताया गया है। ओके, नौ नंबर सिक्स, हियर इज गिवन अबाउट सुभाष चंद्र बोस। सो सुभाष चंद्र बोस कोटेशंस इज गिवन इन नंबर टू, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सामाजिक एकता के एक परिचायक ये सेंटेंस है सुभाष चंद्र बोस का। नौ नंबर सेवन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेंटेंस इज सक्सेस कम्स टू दोज हु एक्ट बोल्डली विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ द कंसिक्वेंस। सक्सेस कम टू दोज, सक्सेस उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त होता है, सक्सेस सफलता उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त होता है हु एक्ट बोल्डली, जो साहसपूर्वक जो परिणामों से डरे बिना जो है कार्य करते हैं। तो ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ओके बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर इज गिवन हियर अबाउट मार्टिन लूथर किंग। सो मार्टिन लूथर किंग सेंटेंस is given here, this is only number 8, Martin Luther King sentence is darkness cannot drive out the darkness, only light can, hate cannot drive out the hatred, only love can. What is telling here? अंधेरा अंधेरे को नहीं भगा सकता, केवल प्रकाश को शांत कर सकता है। इसी प्रकार से घृणा घृणा को नहीं भगा सकती, केवल प्रेम ही कर सकती है। आउट द हैट्रेड ओनली लव कैन, प्रेम से ही भगा सकते हैं। ओके, सो इट इज कोटेशंस रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग। नौ नंबर नाइन उस पिक्चर This, so it is John F. Kennedy. John F. Kennedy's quotation is mankind must put an end to the war, otherwise war will put an end to the mankind. What is telling here? मैनकाइंड को युद्ध का अंत करना चाहिए। मनुष्य के दिमाग में ऐसा है कि युद्ध का अंत, युद्ध के लिए कभी भी जो है युद्ध को हमेशा जो है क्या करना चाहिए, टालना चाहिए। कहने का तात्पर्य है युद्ध हमेशा भयानक विध्वंसकारी होता है, और यदि नहीं टाला गया, युद्ध को इनवाइट किया गया, तो क्या हो जाता है? युद्ध मानव जाति का अंत कर देगा। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन एफ कैनेडी का। ओके, सो नंबर नाइन्स it is. Okay, and now next picture given here, Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi's sentence is number 7, if I have the belief I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning. What is telling here? यदि मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, if I have the belief I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it. तो मैं निश्चय पूर्वक उसे प्राप्त कर लेता हूँ, उसमें सफलता प्राप्त कर जाऊँगा। the capacity to do it even, और वो capacity योग्यता भी मेरे अंदर आ जाएगी। कब? जब मेरे अंदर विश्वास रहेगा तब। If I may not have it at the beginning, यदि मेरे अंदर योग्यता जो है शुरू में नहीं है, किंतु मेरे अंदर विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसमें मैं सफलता हासिल कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ quotations of महात्मा गांधी। सो इट इज़ द चैप्टर about famous quotations by great leaders. It is very important, you have to learn it, and
Create some question answer from this chapter. And if you have any doubt, then consult it into meeting.